युवा पीढ़ी को समाज व संस्कारों से जोड़ने तथा टूट रहे परिवारों को आपस में प्रेम भाव से रहने के उद्देश्य से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र को प्रभु श्री राम चर्चा के रूप में समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रख्यात श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा के व्यास संतोष भाई ने प्रत्येक माह किसी न किसी मोहल्ले में बैठकर श्री रामचरितमानस के पाठ दोनों को पढ़ने की परंपरा की शुरुआत की है। इसी क्रम में निकट काली माता मंदिर एक गेस्ट हाउस में आयोजित पंचम प्रभु श्री राम चर्चा व आध्यात्मिक होली मिलन कार्यक्रम में व्यासपीठ से बोलते हुए आचार्य श्री ने कहा कि जिन घरों में रामायण का पाठ होता है उस घर के बेटे बेटियां फटी पैंट नहीं पहनते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह इस प्रकार के आयोजन से समाज के लोग जागरूक होंगे। कार्यक्रम का समापन हनुमान चालीसा व हे राजा राम तेरी आरती उतारू के साथ हुआ। प्रभु श्री राम चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य संतोष भाई जी का शिव कुमार गुप्ता, मुन्ना बाबू, जितेंद्र भाई पटेल जीतू, राजेंद्र पटेल, पत्रकार रजनीश सिंह, भरत पांडे, आर के सिंह, के सिंह, नवल किशोर, अंतर्यामी वाजपेयी, ब्रजेश अवस्थी आदि ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम आयोजक राजेंद्र भाई पटेल, महेंद्र भाई पटेल, जितेंद्र भाई पटेल ने व्यास जी सपत्निक पूजन व माल्यार्पण किया। संगीत पर साथ देने वालों में प्रमुख रूप से ढोलक पर जितेंद्र ने साथ दिया। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। राम चर्चा का, प्रभु श्री राम चर्चा का ये सुंदर आयोजन जोड़ने के लिए कोई ना कोई एक आधार चाहिए होता है। इमारत को जोड़ने के लिए कुछ मसाला लगाया जाता है, फूल को जोड़ने के लिए धागा जरूरी होता है, पर मनुष्य के हृदय को जोड़ने के लिए प्रेम सर्वोत्तम तत्व है। आपका किसी के साथ संबंध हो और किसी बात से लेकर वो ऊपर नीचे हो जाए, मानो कोई किसी से धन उधार ले जाता है नहीं दे पाता है, कोई किसी के घर अक्सर जाता है नहीं जा पाता है, कोई किसी से अच्छे से बात करता है नहीं कर पाता है, तो इन भौतिक तत्वों को छोड़कर अपने हृदय के प्रेम को सांसारिक पदार्थों से न तोड़कर उसकी हृदय को प्रेम को पाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हम लोग छोटी बात पर, पिछले साल एक कटोरी चीनी ले गए थे अभी दिया नहीं, बात को बहुत गंभीरता से नहीं बहुत हल्के ढंग से समझना चाहिए। पिछले साल एक कटोरी चीनी ले गए थे वे दिया नहीं, मैं याद करता है पल्लू भैया से मिले, साल भर हो गया, हमारे गणेश भैया करते हैं सुख को बांटने के लिए अपना समय निकाल पाएंगे। लोगों से पूछो कि हमारे पास समय नहीं है क्या करते रहते, बोले नई ड्यूटी ले लिया है। क्या हुई ये ड्यूटी, बोले ऐसी ड्यूटी लिया है जिससे निकलना थोड़ा कठिन मालूम होता है, उस ड्यूटी का नाम है आपके हाथ में आया हुआ सेलफोन जो उनसे हो गए हैं, बाकी तो दूर नहीं है। संत बताते हैं कि दूरी नहीं है, अज्ञानेन आवर्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति चिन्तनम्। हम भी तो उसी में से हैं।